सूरत में हिरासत में लिए गए आप नेता गोपाल इटालिया क्राइम ब्रांच ऑफिस से ले जाया गया। गोपाल को सीआर पाटिल और हर्ष सांघवी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर उमरा थाने में मामला दर्ज। सीबीआई ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गुजरात के जय हिंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज किया केस। अतीक और अशरफ के कत्ल पर सियासी एनकाउंटर, बोले तेजस्वी सारी साजिश पहले से ही तय थी, नीतीश का बयान जांच अब जरूरी। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल से सीबीआई के सवाल के बाद संग्राम, सीएम के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, आरोप केजरीवाल देश के सबसे भ्रष्ट सीएम। अहमदाबाद में सामने से कोई लिफ्ट देता है तो हो जाए सावधान, लूट के बहाने युवक को लिफ्ट देकर सुनसान इलाके में ले जाकर धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। गुजरात में 42 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, अहमदाबाद में 17 और 18 अप्रैल को तापमान बढ़ने के पूर्वानुमान के बाद येलो अलर्ट। युवराज सिंह जडेजा की चुनौती, जेल में डाला तो भी लड़ूंगा, व्यायाम से बड़े घोटाले का पर्दाफाश करूंगा। प्यार में अंधी बहन ने अपने ही भाई पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने युवती के खिलाफ मामला किया दर्ज। मोरबी के कल शाम पेपर मिल में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सूरत के सरोली इलाके में ट्रक की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत, पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई जारी। बनासकांठा में पानी की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, 15 मई तक पानी चालू करने की मांग की गई। बोटाद रेलवे स्टेशन के डेमो ट्रेन में लगी भीषण आग, दमकल विभाग मौके पर पहुंची, आग लगने का कारण अब तक नहीं पता चल पाया। पाटन के रोतालिया हनुमान मंदिर में 50,000 रोटियों का प्रसाद लेकर पहुंचे श्रद्धालु, दियारा में उड़े 10 लाख से ज्यादा के नोट। युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, खासकर खेल खेलने वाले युवाओं में बढ़ते जा रहे मामले। सुरेंद्रनगर में सड़क पर मिला महिला का शव, महिला के चेहरे पर चोट के निशान, पुलिस ने शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई की शुरू। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में बंद होने लगे गुजराती स्कूल, 12 निजी स्कूलों पर लगाया जाएगा ताला, अंग्रेजी के कारण गुजराती माध्यम का पतन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर बढ़ने लगी, बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की मौत, सक्रिय मामलों की संख्या 60,000 के पार। आज सोने चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं, सोना 61,040 रुपए तोला तो वहीं चांदी 78,500 रुपए किलो। जामनगर के दिग्जाम सर्कल के पास दो बाइक सवार आपस में टकरा गए, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।